मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की संकट में जहां डॉक्टर पुलिस अपनी जान पर खेलकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों से मेडिकल टीम और पुलिस पर हमले की खबर सामने आ चुकी है। ऐसी ही एक घटना मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी में भी सामने आई है, जहां दो दिन पहले एक पुलिसकर्मी से एक सब्जी बेचने वाले के बीच में विवाद हो गया था, मगर लोगों ने इसे सुलझा लिया था। मगर आज सुबह जो खबर सामने आई है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर है। मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी में आज सुबह पुलिस की एक टीम पर एक व्यक्ति ने पत्थर से हमला कर दिया और फरार हो गया। आपको बता दें कि अलग अलग हर गली में सुबह के वक्त सब्जी बेचने वालों की भीड़ होती है। पुलिस सुबह सुबह गलियों में घूम घूम कर इन्हें हटाने का काम करती है, मगर आज सुबह किस्मत कॉलोनी में जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची, पीछे से किसी ने पुलिस पर पत्थर से हमला कर दिया। मगर जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, पत्थर मारने वाला व्यक्ति फरार हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल वहाँ पहुँच गई और किस्मत कॉलोनी डोंगरेचाल में पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस कई घरों में घुसकर तलाशी ली और इमारतों में भी चढ़कर तलाशी ली गई और लोगों से भी पूछताछ की गई। वहीं एक इमारत में तलाशी लेने जब पुलिस पहुंची तो इमारत के एक रूम में ताश के पत्ते बिखरे पड़े हुए थे। पुलिस काफ़ी देर तक पत्थर मारने वाली व्यक्ति की तलाश इलाके में करती रही, मगर वो नहीं मिल सका। हालाँकि दो लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई है। वहीं पुलिस पर हुई पत्थरबाजी से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो पुलिस जो इस कोरोना जैसे महामारी में लोगों को घर में रहने को कहती है सिर्फ इसलिए कि वो सुरक्षित रहें, मगर अब मुंब्रा जैसे शहर में पुलिस पर पथराव करना बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसके पहले भी जुबली पार्क में पुलिस पर हमला हुआ था, मगर आज हुई इस पुलिस पर पत्थरबाजी से अब पुलिस सख्त कदम उठा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात ने बताया है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी किया जाएगा। किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज किस्मत कॉलोनी में जो पुलिस के ऊपर पत्थर से हमला किया गया है, क्या ये आरोपी पकड़ा गया अभी या नहीं? भाई साहब, गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन किया है। मार्केट सिर्फ बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये तीन दिन मार्केट चलने वाली है। इसके अलावा कोई भी मार्केट 12 से 4 के बीच में चालू होगी। बुधवार, शुक्रवार और रविवार, इसके अलावा किसी दिन मार्केट चालू नहीं होने वाली है। लेकिन सुबह एक छोटी सी वारदात हो गई। एक हमारा बंदा कुछ वहाँ पर मार्केट बंद कर रहा था, किसी ने उसके ऊपर एक पत्थर मारा हुआ है। उसके खिलाफ हमने कानूनन कार्रवाई की है, ऑफेंस रजिस्टर्ड है। जिसने पत्थर मारा है उसका नाम भी मालूम है, उसकी शिनाख्त हो गई है, उसको जल्द से जल्द हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं। मेरी सबसे विनती है, जो भी मार्केट में वेंडर्स है, जो भी धंधा लगा रहे हैं, कि आप कॉरपोरेशन ने जिन जगह 8 जगहों पे बोला है मुंब्रा में, वहाँ जाके ही धंधा लगाना है, ना का गली में या किसी बिल्डिंग में जाके कोई धंधा नहीं लगाना है। पुलिस और कॉरपोरेशन आपके साथ में है, आप लोग हम लोग जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें। मेरी अपने मुंब्रा वासियों से भी दरख्वास्त है कि जहाँ पर 8 जगहों पर ये मार्केट है, वही जाके चीज़ें खरीदें, और जिसको अर्जेंसी है या चीज़ खरीदने हो, घर में से एक ही आदमी बाहर निकलेगा। आज सुबह जो घटना हुई है उसके हिसाब से मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि कायदा सुव्यवस्था का कोई भी उल्लंघन करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई तो करने ही वाले हैं, उसको अरेस्ट ही करेंगे। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोई कायदा और सुव्यवस्था का उल्लंघन ना करे, अपने घरों में रहे, शांत रहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।